कभी त्रेता युग में एक भाई ने अपने भाई के हक के लिए बड़ा त्याग किया था। आज एक मंत्री से बनी मुख्यमंत्री ने भी अपने नेता के लिए बड़ा त्याग किया है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सी न्यूज भारत में। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किसकी बात करने जा रहे हैं। कभी अयोध्या के राजा भरत ने भी अपने भाई श्री राम की गैर मौजूदगी में उनका राज्य संभाला था, मगर कभी भी वो राज सिंहासन पर नहीं बैठे, ना ही राजा का और राज का कोई सुख उन्होंने भोगा। आज ऐसा ही कुछ करने का दावा दिल्ली की नई नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी कर रही हैं। जी हाँ, दिल्ली के सीएम ऑफिस में आज नजारा काफी बदला हुआ नजर आया। दो कुर्सियां लगी हुई थी। राज्य की नई सीएम आतिशी ने अपना पदभार संभाला, मगर जिस कुर्सी पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बैठते थे उसे खाली रखा गया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली ही रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ग्रहण के बाद सीएम का पदभार सोमवार को ग्रहण कर लिया। आतिशी ने पदभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। आतिशी ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी रखकर पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। आज मेरे मन में वही व्यथा है जो कि भरत जी की थी। जिस तरीके से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाव को रख कर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जी की ये कुर्सी यहीं रहेगी। अब सवाल उठता है कि आतिशी के इस फैसले में क्या वाकई उनका अरविंद केजरीवाल के प्रति सम्मान है या आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी रणनीति। ये बड़ा सवाल है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने 21 सितंबर 2024 यानी कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, पिछले 2 साल से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे डाले गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता की एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री अब सत्ता को संभालने जा रही हैं, जिन्होंने कभी खुद को नेता कहलाना पसंद ही नहीं किया। आतिशी खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता मानती हैं। मिलने वालों से सहज लहजे में बात करती हैं और कठोर बात भी सामने वाले से मुस्कुराते हुए कह जाने का अंदाज उनका है। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना बड़ा भाई बताया था। वहीं आज एक सीएम की कुर्सी खाली रखकर उन्होंने राजनीति का एक अलग रूप दिखाने का भी काम जरूर किया है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री आतिशी भले ही सीएम कुर्सी पर ना बैठे, लेकिन उनकी चुनौतियां काफी बड़ी होने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री बनी आतिशी का कार्यकाल भले ही छोटा रहे, लेकिन उनकी चुनौतियां काफी बड़ी हैं। उन्हें ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों की ओर से कई तरीके के तंज झेलने पड़ेंगे, बल्कि उन्हें इस छोटे से कार्यकाल में कई फैसले भी लेने होंगे, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की राह आसान बने। यही नहीं, अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो उसकी जिम्मेदारी भी आतिशी को ही झेलनी होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।